हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ साइकोलॉजी, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी है क्या? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी को समझने से पहले इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजी को समझना। साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी भी क्या है, एक तरह की साइंस है, ओके? और इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। मतलब क्या हुआ कि ये माइंड और बिहेवियर की स्टडी है, ओके? थोड़ी वास्ट टर्म में समझें तो ये किस चीज़ की स्टडी है, आपके माइंड में कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, और साथ में जो आपके बिहेवियर हैं, चाहे वो इमोशनल बिहेवियर हो या इंटेलेक्चुअल बिहेवियर हो, ओके? उन सबको समझना, उनकी स्टडी को क्या बोलेंगे हम, साइकोलॉजी, ओके? तो साइकोलॉजी को सबसे पहले साइंस किसने कहा? तो अगर बात करें तो जिसे हम बोलते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी, ओके, वो कौन है? वो है विल्हेम वुंड। विल्हेम वुंड कौन है? फादर ऑफ साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि साइकोलॉजी भी क्या है, एक तरह की साइंस है, ओके? बिहेवियर ऑफ क्या है, स्टडी ऑफ क्या है, माइंड एंड बिहेवियर है, ठीक है? और इन्होंने क्या किया था, सबसे पहली जो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी सेटअप की थी, कहाँ पे? जगह का नाम क्या है, लिप्जिंग, जो कहाँ पे है, जर्मनी में है, ओके? और कब सेटअप की थी, 1879 में, ओके? तो ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने खुद को क्या बोला, एक साइकोलॉजिस्ट बोला, और इन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी सेटअप की थी कहाँ पे, लिप्जिंग जर्मनी में करी थी 1879 में, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है, ओके? तो अगर क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, तो वो कौन है, विल्हेम वुंड है। और अगर इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी कहाँ पे सेटअप की थी, तो लिप्जिंग में करी थी, जो कहाँ पे है, जर्मनी में, और कब की थी, 1879 में, ओके? तो ये क्या बात होगी कि साइकोलॉजी है क्या है, साइकोलॉजी है स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ओके? तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज चाइल्ड साइकोलॉजी, ओके? अब हमें पता है कि साइकोलॉजी तो क्या है, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर है, ओके? तो अगर स्पेशली हम किसकी बात करें, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें, तो चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, ओके? और जिसमें क्या बात करते हैं हम कि एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से किस तरह डिफरेंट है, वो अडल्ट से किस तरह डिफरेंट है, ओके? वो बर्थ से लेके एडोल्सेंस तक किस तरह डेवलप करता है, ओके? वो सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी में, ठीक है? तो चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या चीज़ें आ गई, फर्स्ट क्या आ गया कि एक बच्चा दूसरे से किस तरह डिफरेंट है, वो अडल्ट से किस तरह डिफरेंट है, ओके? और साथ में वो बर्थ से लेके एडोल्सेंस तक किस तरह डिवेल्प करता है, सारी चीज़ें कहाँ पर आ गई, चाइल्ड साइकोलॉजी में आ गई, ओके? और अगर बात करें सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी की बात किसने की थी, तो वो थे जीन प्याजे। कौन थे, जीन प्याजे, ओके? ये कौन थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। क्या, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, ओके? जो स्विस कहाँ पे हुआ, स्विट्जरलैंड में, ओके? और कौन है ये, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, कौन है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, कौन है, जीन प्याजे हैं, ठीक है? इन्होंने जो, इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि जो बच्चे हैं वो बड़ों से, अडल्ट से डिफरेंट हैं, ओके? उनकी साइकोलॉजी डिफरेंट है, उनका जो मेंटल लेवल है वो अडल्ट से डिफरेंट है, ओके? वो एज में जैसे बर्थ से लेकर अडल्टहुड सब क्या करते हैं, डिफरेंटली सोचते हैं एज कंपैरिजन टू अडल्ट, ठीक है? इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। और इन जो वेल नोन वर्क है इनका, वो क्या है, इनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, ओके? तो इन्हें और भी क्या बोला जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट भी बोला जाता है, ओके? तो जीन प्याजे कौन है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी हैं एंड फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट भी यही हैं।
अब इसके बाद बात आती है जीन प्याजे ने कौन सी थ्योरी दी थी। जीन प्याजे ने थ्योरी दी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, ये इनकी बहुत ही फेमस थ्योरी है। ओके, जहां पे इन्होंने क्या बोला कि बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके अडल्टहुड तक, अडोलसेंस तक क्या करता है वो, उसका तरीका सोचने का डिफरेंट है। ओके, डिफरेंटली वो रीजन करता है, अडल्ट से डिफरेंटली बिहेव करता है। ठीक है, तो इन्होंने ये जो थ्योरी थी कब दी थी, 1936 में। ओके, और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था सबसे पहले कि इनको इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि जो अगर बात करें अडल्ट की और बच्चों की, तो क्या है, दोनों अलग तरीके से सोचते हैं। ओके, हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सेम जैसा अडल्ट बिहेव कर रहे हैं, जैसे अडल्ट सोच रहे हैं वैसे ही क्या करें, बच्चे भी बिहेव करें। ओके, इनके अकॉर्डिंग क्या था, चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। क्या था, चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। ओके, क्या चीज बोली इन्होंने, चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या चीज थी कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। मतलब अगर क्या करें, हम बच्चे को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दें तो क्या करेगा, बच्चा कोग्निटिवली खुद डेवलप करेगा। ओके, चीजों को समझेगा, उस एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करेगा। ओके, और एक और चीज जो इन्होंने बोली थी वो क्या थी कि जो बच्चे का बौद्धिक विकास है, कोग्निटिव डेवलपमेंट है, वो किससे जुड़ा होता है, बर्थ से जुड़ा होता है, उसके जन्म से। मतलब क्या चीज़ आ गई इसमें कि अब हर एक बच्चे में बाय बर्थ ही क्या चीज़ें होती हैं, कोई ना कोई कैपेबिलिटी एबिलिटीज होती हैं। जैसे जैसे छोटा बच्चा है वो क्या कर रहा है, चीज़ों को पकड़ रहा है, ग्रैब करता है, ओके, सकिंग करता है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, हम उसको सिखाते नहीं हैं, बाय बर्थ हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे क्या होगा, वो फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करेगा, और साथ में क्या चीज आ जाएगी कि उसकी जो माइंड डेवलपमेंट है वो भी वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी। ओके, तो ये क्या आ गया कि जीन पियाजे कौन थे और उनका मेन फोकस किस चीज पे था। तो उनका मेन फोकस ये ही था कि जो बच्चे हैं वो ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं कि जीन पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के लिए कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की, जिसमें फर्स्ट क्या जाएगा, स्कीमास। ओके, अगर स्कीमा की बात करें तो जीन पियाजे ने क्या बोला कि जैसे हमारी बॉडी में का अलग स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे बॉडी में क्या है, अलग अलग पार्ट्स हैं, लीवर है, किडनी है, लंग्स हैं, ओके, हार्ट है, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, वैसे माइंड का क्या है, अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर पहले हम स्कीमा की बात करें तो स्कीमा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या आ गई ये, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, या और क्या बोल सकते हैं, यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, या फिर बंडल्स ऑफ नॉलेज। मतलब स्कीमा क्या आ गया, जो हमारे माइंड में अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर है, ओके, एक सिस्टेमेटिक वे में, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम स्कीमा। ठीक है, क्या आ गए ये, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ गए, यूनिट्स ऑफ नॉलेज आ गए। ठीक है, जैसे जिन भाई ने क्या बोला कि बॉडी के अलग अलग हमारे पार्ट्स हैं, बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, वैसे जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि क्या चीज़ है, माइंड में भी क्या है, चीज़ें एक सिस्टेमेटिक वे में रखी होती हैं। जैसे माइंड में एक स्कीमा होगा, एक यूनिट होगी कि ये कार है, ठीक है, ये डॉग है, ये एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ओके, ये टीवी है, वीडियो गेम है, इस तरह क्या चीज़ें दिख रही है आपको कि माइंड में क्या है, सिस्टेमेटिक वे में नॉलेज जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है, उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, उसको स्कीमा बोलेंगे। ठीक है, और स्कीमा का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें क्या कोई ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी हमारे माइंड में एक इंफॉर्मेशन स्टोर है, उसका यूज़ करते हैं हम। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम स्कीमा। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंपोनेंट आ गया। सेकेंड की बात करें अगर, तो सेकेंड क्या चीज़ आ गई, एसिमिलेशन।
ठीक है, एसिमिलेशन क्या हुआ, अब ये क्या हो गया स्कीमा, कि ऑलरेडी क्या है हमारे पास, कोई इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है। तो एसिमिलेशन में क्या चीज आएगी, जैसे मान लो एक बच्चे में क्या है, उसको बताया है कि एक डॉग है, उसकी फोर लेग्स होती हैं, एक टेल होती है, ठीक है, हेयर होते हैं, और उसको क्या बोलेंगे हम, डॉग बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे को हम क्या बता सकते हैं, जैसे बच्चा एक डॉग को देखता है, वो क्या करेगा, ऑलरेडी उसके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और उसका यूज़ करेगा, और क्या बोलेगा, डॉग को देखते ही बोलेगा कि क्या है ये, डॉग है, ठीक है। अब क्या है, ऑलरेडी उसके दिमाग में डॉग का स्कीमा था, इसलिए वो क्या कर रहा है, उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर पा रहा है, उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसी तरह अगर कोई और प्रॉब्लम आती है उसके सामने, तो ऑलरेडी क्या होगा, अगर उसको सॉल्यूशन पता होगा, उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज होगी उसके माइंड में, तो वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। और एसिमिलेशन का एक मतलब हो गया कि क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी जो स्कीमा है उसका किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उस नॉलेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और क्या चीज़ आ सकती है, और आ सकती है, हम क्या करते हैं एसिमिलेशन में, इंफॉर्मेशन को एड ऑन करते हैं, ठीक है। जैसे क्या चीज़ आ गई कि डॉग है, ठीक है, अब डॉग क्या हुआ, एक बड़ा है, बड़े टाइप का डॉग, एक छोटा डॉग है, तो क्या करेंगे, उसमें एड ऑन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को कि क्या है, दोनों ही क्या है, डॉग हैं, ठीक है। तो जब हम क्या कर रहे हैं, स्कीमा में कुछ इन्फॉर्मेशन, नया स्कीमा एड ऑन कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, एसिमिलेशन बोलेंगे, ठीक है। या ऑलरेडी जो स्कीमा है उसका किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, एसिमिलेशन बोलेंगे। उसके बाद क्या चीज आ जाएगी, थर्ड, अकोमोडेशन, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या हुआ, चीजों को या स्कीमा को मॉडिफाई करना, ठीक है। जैसे अभी क्या है कि बच्चे को क्या है, डॉग का पता है, ठीक है, बट उसको नॉलेज, बाकी और भी टाइप के एनिमल्स होंगे, उसकी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इनिशियली बच्चा क्या करता है, जैसे अब डॉग का स्कीमा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक छोटे डॉग का स्कीमा है, सामने क्या कर रहा है, जैसे पिक्चर में क्या देख रहे हो आप, कि एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, एसिमिलेशन स्टेज में है, तो जब कैट को देखता है तो वो क्या बोलेगा, इट्स अ डॉग, क्योंकि क्या है, उसने एक छोटा डॉग देखा होगा, एक पपी देखा होगा, ठीक है, और उसको कैट का स्ट्रक्चर भी क्या लग रहा है, एग्जैक्टली कैसा लग रहा है, छोटे पपी की तरह लग रहा है, ठीक है। तो एसिमिलेशन स्टेज में वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि जो कैट है वो भी क्या है, डॉग है, ठीक है। मतलब उसको कैट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उसको ये कोई नॉलेज नहीं है कि एनिमल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अकोमोडेशन में क्या चीज आ गई, कि जो स्कीमा था वो क्या हो गया, फेल हो गया किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, जो स्कीमा है उसको मॉडिफाई करेंगे, ओके। मतलब क्या है, अब हम बच्चे को बताएंगे कि एनिमल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, ये डॉग नहीं है, ये क्या है, कैट है, ठीक है, जो सिमिलर, थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज लगती हैं किसकी तरह, एक पपी की तरह लगती हैं, ठीक है। तो वो स्टेज क्या आ जाएगी, वो क्या आ गया, अकोमोडेशन आ गया, ठीक है। तो एसिमिलेशन क्या आ गया, एड ऑन करना, अकोमोडेशन क्या आ गया, स्कीमा को मॉडिफाई करना, ठीक है। एसिमिलेशन में क्या चीज आ रही है, कि जो स्कीमा है उसका यूज हम कर पा रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट अकोमोडेशन में क्या चीज आ रही है, वो स्कीमा फेल हो जा रहा है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमें क्या जरूरत पड़ रही है, उस इंफॉर्मेशन को थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो अब फोर्थ वन क्या आ जाता है, इक्विलिब्रेशन, ठीक है। क्या चीज आ गई, इक्विलिब्रेशन आ गया, ठीक है। इक्विलिब्रेशन में क्या चीजें आएंगी, कि हम क्या कर रहे हैं, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में कोऑर्डिनेशन भी ठा पा रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑलरेडी जो हमारे माइंड में क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन है, उसके बीच में क्या है, बैलेंस है। जैसे उसको पता है डॉग अलग है, कैट अलग है, एनिमल्स अलग हैं, प्लांट्स अलग हैं, ओके। एनिमल्स क्या डिफरेंट टाइप के होते हैं, साइज में बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, ओके। अब क्या कर पा रहा है वो, उस जो इन्फॉर्मेशन है उसमें बैलेंस है, इन्फॉर्मेशन में एक कोऑर्डिनेशन है, उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या आगे, जो जीन प्याजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के लिए बेसिक कंपोनेंट्स दिए थे, वो चीज़ें आगे, स्कीमा क्या हो गया कि और पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मतलब माइंड में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। एसिमिलेशन में क्या आ गया,
कि जो स्कीमा है उसका हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर पा रहे हैं और नया स्कीमा एड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, अकोमोडेशन क्या आ गया, अकोमोडेशन में चीजें आ गई कि क्या है जो स्कीमा है वो फेल हो जा रहा है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ रही है उसको, उस स्कीमा को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ रही है। और उसके बाद क्या चीज आ गई, इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन में क्या आ गया, जब जो हमारे पास स्कीमा है उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन है, एक बैलेंस है। ठीक है, ये सारे क्या आ गए, कंपोनेंट्स आ गए। अब इसके बाद क्या आएंगे, जो जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के मेन फैक्टर्स दिए हैं। ओके, अब हम क्या बात करेंगे, फैक्टर्स की बात। ठीक है, फैक्टर्स में सबसे पहले चीज क्या आ जाएगी हमारी, मैच्योरेशन। ठीक है, मैच्योरेशन क्या, जीन प्याजे ने किससे रिलेट किया इसको, एज से रिलेट किया। ठीक है, जीन से रिलेट किया या हेरिडिटी से रिलेट किया। ठीक है, मैच्योरेशन में जीन प्याजे ने क्या बोला कि जो बच्चा है वो क्या करता है, बर्थ से क्या करना स्टार्ट कर देता है, डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और क्या करता है, एज के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, मतलब अकॉर्डिंग टू एज वो क्या होता जाता है, मैच्योर होता जाता है। ठीक है, तो इस चीज पे क्या था, जीन प्याजे का मेन फोकस था। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी जीन प्याजे ने इस चीज को। और सेकेंड फैक्टर की बात करें तो सेकेंड क्या आ गया, एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस में कैसा एक्सपीरियंस आ गया, फिजिकल एक्सपीरियंस आ गए। ठीक है, इसको भी जीन प्याजे ने इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि जीन प्याजे ने क्या बोला था, चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, कि हम क्या कर दें, बच्चे को क्या है, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम क्या कर दें, उसको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दें, तो उसमें इतनी इंटेलेक्चुअल पावर है कि वो क्या कर सकता है, वो नॉलेज खुद बिल्ड कर सकता है। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस में क्या चीजें आ सकती हैं, और एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ये चीजें किसमें इंक्लूड रहेंगी, आपके फिजिकल एक्सपीरियंस में या सिंपली एक्सपीरियंस में। ठीक है, ये आ गया सेकेंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर क्या आएगा, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन को जीन प्याजे ने कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर बच्चा सोशली इंटरेक्ट भी नहीं करता है तब भी क्या करता है, वो ज्ञान का निर्माण खुद करता है। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया, इक्विलिब्रेशन। ऑलरेडी हम कहाँ पे पढ़ चुके हैं, कंपोनेंट्स में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इक्विलिब्रेशन का क्या मतलब हो गया, कोऑर्डिनेशन या फिर बैलेंस, मतलब क्या है, जो इंफॉर्मेशन है उसमें कोऑर्डिनेशन या बैलेंस होना। ठीक है, तो फैक्टर्स में क्या चीजें आ गई, चार फैक्टर्स दिए थे जीन प्याजे ने फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। फर्स्ट क्या आ गया, मैच्योरेशन, जो किस पे बेस्ड है, एज पे बेस्ड है, कि एज के अकॉर्डिंग बच्चा मैच्योर होता है। ठीक है, एक दो साल का बच्चा एक 15 साल के बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे। ओके, और सेकेंड क्या आ गया, एक्सपीरियंस। ओके, इन दोनों चीजों को क्या किया है, जिन मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस को दी है, उसके बाद किसको, एक्सपीरियंस को दी है। ठीक है, कि बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। ओके, उसके बाद आ गया सोशल इंटरेक्शन, बट जिसको क्या किया, जीन प्याजे ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है। क्यों, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बच्चों में इतनी इंटेलेक्चुअल पावर है कि वो खुद ही क्या करता है, नॉलेज को बिल्ड करता है, उसके लिए उसको किसी इंस्ट्रक्टर की या सोशल इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इक्विलिब्रेशन, जो क्या है, कोऑर्डिनेशन या बैलेंस बिटवीन द एग्जिस्टिंग नॉलेज। ओके, ये क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात करेंगे हम, जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के लिए जो मेन स्टेजेस दी हैं। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होगा कि जीन प्याजे ने कितनी स्टेजेस दी हैं, 4 स्टेजेस दी हैं। ठीक है, तो अब क्या चीज आ गई, स्टेजेस, और कितनी स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सी स्टेज आ जाएगी, सेंसरी मोटर स्टेज। ओके, क्या आ गई, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, अब इसको क्या किया है, एज अकॉर्डिंग टू एज इनको डिवाइड किया है स्टेजेस को। ठीक है,
जीन पियाजे ने क्या किया था, कुछ स्पेशल इसको क्या दी थी, एज के बारे में बात नहीं की थी उन्होंने, सिंपली बोला था कि एवरेज बच्चा क्या कर सकता है, इन स्टेजेस के अकॉर्डिंग क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है। तो फॉर एवरेज चाइल्ड क्या जाएगा, एवरेज चाइल्ड के लिए आ जाएगा 0 to 2 ईयर, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज कहाँ से कहाँ तक होगी, बर्थ से लेके 2 ईयर तक, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सेंसरी मोटर स्टेज है क्या। ओके, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या करेगा, बच्चा अपनी सेंसेस का ज्यादा यूज करेगा, ठीक है। किसका यूज करेगा, सेंसेस का, ठीक है। ज्यादा किसका यूज कर रहा है, अपनी सेंसेस का ज्यादा यूज कर रहा है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, आपकी आईज होगी, ठीक है, नोज हो गया, ओके, माउथ हो गया, हैंड्स हो गए, ठीक है। तो क्या कर रहा है बच्चा, अपनी सेंसेस का ज्यादा यूज कर रहा है, ठीक है। जैसे क्या करता है, एक छोटा बच्चा क्या करता है, स्टार्टिंग में सिर्फ क्या करेगा, आई मूवमेंट करता है, ठीक है, या क्या करेगा, उसमें क्या आ जाती है, कैचिंग पावर आ जाती है, ठीक है। क्या होता है बच्चे में, कैचिंग पावर होती है, ओके। और क्या चीजें आ जाएंगी सेंसरी मोटर स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में नॉलेज जो क्या होती है, नो स्टैटिक नॉलेज, ओके। मतलब बच्चे में जो नॉलेज है वो स्टैटिक नहीं होगी, ठीक है। उसका मेन जो यूज करेगा वो सिर्फ ओनली किसका करेगा, सेंसेस का यूज करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी नहीं होगी स्टेज में, ओके। अब जब क्या होगा, वो 18 to 24 months के बीच में होगा, तब क्या होगा, थोड़े स्मॉल सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और उससे पहले क्या करेगा, सिर्फ वो बैबलिंग करता है, ओके। तो क्या चीज आ गई सेंसरी मोटर स्टेज में, क्या करेगा बच्चा, मोर सेंसेस का यूज करेगा, ठीक है। जो हमारी सेंसेस होती है, जैसे आईज, नोज, माउथ, हैंड, ओके। उसमें क्या आ जाती है, थोड़ी बहुत कैचिंग पावर आ जाती है, ठीक है। और क्या, स्टैटिक नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। और क्या चीज आ जाएगी, और आ जाएगा कि बच्चा क्या करता है, इसमें स्मॉल सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करता है, ठीक है, बट नो लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होती है। ये क्या आ गया आपका, सेंसरी मोटर स्टेज में। और ये किस एज तक रहती है, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर, ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज आ जाती है, ये फर्स्ट स्टेज होगी। सेकेंड स्टेज जो है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। सेकेंड क्या आ गई, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। ये कब तक होती है, 2 to 7 ईयर, ठीक है। फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक थी, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर, और ये कब तक है, फ्रॉम 2 ईयर to 7 ईयर, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चे को, आपने ऑब्जर्व किया है कि 2 से 7 साल का बच्चा किस तरह बिहेव करता है। सबसे पहले क्या करेगा, वो थिंक सिंबॉलिकली, क्या करता है वो, सिंबल से सोचता है, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगी, इरिवर्सिबल थिंकिंग, क्या मतलब हो गया उसकी थिंकिंग कैसी होगी, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल थिंकिंग का क्या मतलब हो गया, कि क्या चीज आएगी, कि बच्चा जो है वो क्या करेगा, अगर आपने बच्चे को एक चीज बता दी है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। बच्चा क्या, एक चीज वो पर्टिकुलर चीज मान के चलेगा, ठीक है। वो क्या आ गई आपकी, इरिवर्सिबल थिंकिंग आ गई, ठीक है, जो कहाँ पे होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, काउज एंड इफेक्ट, काउज एंड इफेक्ट में क्या चीज आ जाएगी, कि बच्चा क्या करेगा, जो चीज देखेगा वो उसी को सच मानेगा। जैसे क्या कर रहे हो, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या कर रहे हैं पेरेंट्स, जैसे मिल्क बूथ से मिल्क लेके आते हैं, तो बच्चे के अकॉर्डिंग क्या है, मिल्क कहाँ पे मिलता है, मिल्क बूथ में मिलता है, ठीक है। उसको नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, ये एनिमल से मिलता है, डेयरी से मिलता है, ठीक है। वो सिर्फ क्या मान के चलेगा, कि जो दूध है वो कहाँ से मिलता है, मिल्क बूथ से मिलता है, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे हम, काउज एंड इफेक्ट, ठीक है। और क्या चीज आ जाती है इसमें, क्यूरियोसिटी पीक लेवल पे होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में प्री ऑपरेशनल स्टेज की स्टार्टिंग में क्यूरियोसिटी क्या होगी, प्री सॉरी पीक लेवल पे होगी, ठीक है। जब बच्चा क्या होगा, 2 से 4 साल के बीच में होता है, तो क्यूरियोसिटी क्या होती है, पीक लेवल पे होती है। बच्चा क्या करता है, बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है नई नई चीजों को सीखने में, ठीक है। तो
एक आ गया कि सिम्बॉलिकली वो सोचता है, ठीक है, उसकी थिंकिंग क्या आती है, इरिवर्सिबल थिंकिंग होती है, काउज एंड इफेक्ट वाली सिचुएशन है, और एक चीज इंपॉर्टेंट और क्या आ गई, ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा, ठीक है। ईगो सेंट्रिक में क्या चीज आ गई, जैसे बच्चा क्या कर रहा है, अपने बच्चे को लेफ्ट हैंड का पता है, राइट हैंड का पता है, बट क्या करोगे अगर जैसे दूसरा बच्चा है उसका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड को वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक में यहाँ पे प्याजे का ये मतलब नहीं है, सेल्फिशनेस से कोई लेना देना नहीं है, इसमें क्या है कि बच्चा क्या है, उसको सिर्फ अपने बारे में नॉलेज है, ठीक है, दूसरे के बारे में नॉलेज नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम, ईगो सेंट्रिक बोलेंगे अकॉर्डिंग टू जीन प्याज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएंगी, ठीक है। इसके साथ और क्या क्या चीज़ें होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, और क्या होगा कि इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और बच्चा और क्या करता है, क्या करेगा, इसमें एक और चीज़ आती है सेंट्रेशन, ठीक है। सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि एक बच्चे को क्या किया, दो ग्लासेस हैं, ठीक है, वो क्या है, सेम है, सेम उसकी उनकी हाइट है, ठीक है, सेम शेप है उसकी, और उसमें क्या किया है, पानी भर दिया। फिर आप क्या करोगे, एक ग्लास को एक किसी दूसरे ग्लास में कन्वर्ट कर देते हो जो क्या है, जो जिसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, बट क्या है, उसमें सेम ही अमाउंट में वाटर आ रहा है। तो सेंट्रेशन में क्या चीज़ आ जाएगी, बच्चे को अगर आप पूछते हो कि इसमें ज़्यादा पानी किसमें, तो वो किसको बोल लेगा, जो क्या है बड़े वाला टॉल वाला ग्लास है उसको बोल लेगा, ठीक है। तो उसको मतलब ये आइडिया नहीं है कि क्या है, शेप्स अलग हो सकते हैं, ठीक है, वो वेट को डिफाइन नहीं कर सकता है, शेप्स को डिफाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो चीज़ उसको बड़ी लग रही है उसको क्या बोल देगा, वो उसको बोल देगा कि ये चीज़ देखते बोल देगा कि ये बड़ी चीज़ है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा पानी होगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि क्या है, दो रोज़ हैं, ठीक है, उसमें क्या है, एक में 9 बच्चे हैं और दूसरे में 7 हैं, बट 7 वाली रो क्या है, थोड़ी लंबी है। तो अगर बच्चे को पूछेंगे कि ज़्यादा बच्चे किसमें, तो वो किसको बोल लेगा, जो उसको लंबी वाली रो दिख रही है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रेशन। ये किस बच्चे में होता है, किस स्टेज में होता है, बच्चे में प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ठीक है। ये क्या आ गया, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब नेक्स्ट जो आता है वो क्या आएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड क्या आ गया, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ओके, जो कहां से कहां तक होती है, 7 to 11 ईयर। फर्स्ट कहां से थी, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर, उसके बाद कहां से, 2 to 7 ईयर, एंड देन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कहां से कहां तक है, 7 to 11 ईयर फॉर एवरेज चाइल्ड, ठीक है। अब इसमें क्या चीज आ जाती है, ठीक है, जो 7 से 11 साल का बच्चा होगा वो क्या करेगा, अब कंक्रीटली सोचेगा वो, ठीक है, उसमें क्या चीज होगी, इमेजिनेशन होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इमेजिनेशन में क्या चीज आ गई कि बच्चा इमेजिन करता है चीजों को, जैसे अगर वो अपनी टीचर को पढ़ाते हुए देख रहा है तो वो क्या करेगा, बोलेगा कि मुझे भी टीचर बनना है, ठीक है, इमेजिन करेगा। हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर को देखता है, तो वो क्या बोलेगा कि अब मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। अब वो क्या है, इमेजिन करता है चीज़ों को, उसको क्या है, एक प्रोसेस पता नहीं है कि एक्चुअल में ये चीज़ें कैसे होती हैं, होती भी हैं ये नहीं, सिर्फ वो क्या करेगा, इमेजिन करेगा। इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होगी किस स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ आ गई, क्लासिफिकेशन, मतलब अब बच्चा क्या कर पा रहा है, क्लासिफाई कर पा रहा है चीज़ों को, जैसे वो कलर को, शेप को, ठीक है, शेप हो गया, हाइट हो गया, ठीक है, वो क्या कर पा रहा है, चीज़ों को क्लासिफाई कर पा रहा है अच्छे से, ठीक है, कि क्या है, ये अलग शेप का है ग्लास है, अलग शेप का है, इसकी हाइट अलग है, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, प्रोपोर्शन बता पाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बता पाएगा, ठीक है, वो क्या गया, मतलब क्या कर रहा है, वो अच्छे से वो क्लासिफाई कर पा रहा है चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, अब बच्चा क्या करता है, माइंड में चीज़ों को सॉल्व करता है, ठीक है। जैसे क्या चीज़ आ जाएगी, जैसे पिछली स्टेज में हमने क्या चीज़ें देखी थी कि इरिवर्सिबल थिंकिंग थी, मतलब बच्चे को क्या पता है, अगर 1 + 1 = 2, बट आप उसको अगर पूछते हैं कि 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है, तो वो क्या करेगा, इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाएगा, इस चीज़ को नहीं सॉल्व कर पाएगा। बट जो जब वो कहाँ पे आ जाएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा, तो वो क्या करेगा,
इस चीज को सॉल्व कर पाएगा, इस चीज को सोच पाएगा, ठीक है। तो और क्या चीज आ गई यहाँ पे, रिवर्सिबल थिंकिंग होती है। और अब क्या कर रहा है वो माइंड में ही क्या कर पा रहा है, क्वेश्चन को जैसे 1 + 1 = 2 होता है सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। उसको क्या करेगा, बाय हैंड उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वो इतना कैपेबल है कि क्या कर रहा है वो माइंड में चीजों को सॉल्व कर पा रहा है, ठीक है। और जीन प्याजे ने क्या बोला है, जो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज है उसको क्या बोलना है, टर्निंग पॉइंट बोलना है, ठीक है। बच्चे की डेवलपमेंट के लिए क्या बोला है, टर्निंग पॉइंट बोलना है। कैसे, क्योंकि इसी स्टेज में क्या होता है, बच्चा लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसके लिए, फॉर लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। तो क्या चीजें आ गई कंक्रीट में, इमेजिनेशन होती है, क्लासिफाई कर पाता है चीजों को, रिवर्सिबल थिंकिंग होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आ गई कंक्रीट ऑपरेशन में, कब तक होती है ये, 7 to 11 years, ओके। अब जो लास्ट स्टेज है वो कौन सी है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये कौन सी है, फोर्थ एंड लास्ट वन स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और कब होती है ये, अबव 11 years टिल अडल्टहुड, ठीक है। तो अब क्या देखा हमने कि जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी उसमें क्या चीज थी, जीन व्याजन ने बोला कि ये टर्निंग पॉइंट है, क्यों, क्योंकि बच्चा क्या करता है, बच्चे में क्या आ जाती है, वहां पे लॉजिकल थिंकिंग बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बट अगर बात करें, क्वेश्चन आता है कि लॉजिकल थिंकिंग कौन सी स्टेज में होती है, तो वो कहाँ पे होगी आपकी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, लॉजिकल थिंकिंग, मतलब अब क्या करेगा बच्चा, लॉजिक के अकॉर्डिंग सोचना स्टार्ट करता है, ठीक है। और क्या जाएगा इसमें, डिडक्टिव थिंकिंग आ जाएगी। डिडक्टिव थिंकिंग में क्या चीज आएगी, मतलब बच्चा क्या करेगा, अगर आपने बच्चे को कोई रूल बता दिया है तो वो क्या करेगा, उसी रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है, ठीक है। मतलब रूल टू कहाँ जाता है, स्पेसिफिक की तरफ जाता है, ठीक है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, ठीक है। वो क्या आ गया आपका, डिडक्टिव थिंकिंग आ गया, ठीक है। जैसे हम बड़ी क्लासेस में देखा होगा कि हम क्या करते हैं, बच्चों को पहले एक प्रिंसिपल या रूल पढ़ाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बहुत सारे वैसे उसी से रिलेटेड क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, डिडक्टिव थिंकिंग बोलेंगे, जो क्या है, छोटे बच्चों में नहीं होता है। छोटे बच्चों को हम क्या करेंगे, पहले स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, रूल तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी, डिडक्टिव थिंकिंग आ जाएगी, ठीक है। और क्या आ जाएगा, हिपोथेटिकल थिंकिंग आ जाएगी। मतलब क्या किया, कि अगर बच्चों को क्या कर रहे हो आप, कोई मतलब मान लिया बच्चों को बोलेंगे कि मान लो जो कोल है वो क्या है, वाइट कलर का होता है, तो ये कहाँ पे बोल सकते हैं, एग्जाम्पल हम, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है, एक हिपोथेसिस बनाना है, ठीक है। बट अगर पिछले वाले स्टेजेस में वाले बच्चे को बोलेंगे तो वो क्या करेगा, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है तो उससे क्या करेगा, आगे वो क्वेश्चन आंसर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एक और चीज़ क्या आ जाती है, हिपोथेसिस आ जाता है, ठीक है। और क्या चीज़ आ जाएगी, डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है। मतलब बच्चा क्या करेगा, अपने डिसीजन लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसको पता है कि अगर अब मुझे क्या करना है, एक डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए एक लॉजिकली सोचना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए कौन से डिसीजन लेने पड़ेंगे, मुझे कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कौन सा एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें अब कहाँ पे आ जाएंगी आपकी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। मतलब बच्चा अब लॉजिकली सोचेगा चीज़ों को, इमेजिन नहीं करेगा, ठीक है। ये कहाँ पे आ गया, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और ये कहाँ पे होगी, अबव 11 years टिल अडल्टहुड, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारी, चारों स्टेजेस आ गई। सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी हमने, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या चीज देखी आपने, कि ये किस बच्चे में होती है, फ्रॉम बर्थ टू 2 year तक होती है। और क्या चीज होगी इसमें, बच्चा क्या करता है, सेंसेस का ज्यादा यूज करेगा, ठीक है। और सेंसरी मोटर में एक और चीज क्या आ जाती है आपकी, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, ठीक है। क्या चीज आ जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है,
या और क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस बोल सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या मतलब हुआ कि बच्चा क्या करता है, चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट कर देता है, या फिर क्या किया आपने कोई चीज़ छुपा दी अगर, तो बच्चे को क्या करेगा, बच्चे को पता है कि आपने वो चीज़ छुपाई है, ठीक है। मतलब बच्चे को अब ये चीज़ पता है कि अगर सामने नहीं है फिर भी वो चीज़ क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ये कहाँ पर आती है, जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या था हमारा, प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल में क्या था, इरिवर्सिबल थिंकिंग होगी, वो लॉजिक सिंबॉलिकली सोचेगा, ठीक है, और क्या करेगा, उस ईगो सेंट्रिक होता है वो, क्यूरियोसिटी पीक लेवल पे होती है, और लैंग्वेज की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब वो लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है। उसके बाद कौन सी आ गई हमारी, कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसमें क्या होगा, इमेजिनेशन होगी, ठीक है, वो कंक्रीटली सोचेगा, ओके, और रिवर्सिबल थिंकिंग होगी, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ आ गई हमारी, फॉर्मल ऑपरेशन, फॉर्मल में क्या होगा, अब बच्चा क्या करेगा, लॉजिकली चीज़ों को सोचेगा, ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग होगी, हिपोथेटिकल थिंकिंग होगी उसमें, और क्या आ जाएगी, डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगी, ठीक है। तो जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें क्या बोला कि बच्चे क्या करते हैं, अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, मैच्योर होते हैं अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है, और क्या चीज़ है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, ओके। और क्या है, कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे के लिए, क्योंकि क्या है, बच्चे में इतनी मेंटल पावर है कि वो खुद से क्या करे, चीज़ों को, इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर कर सके और मैनिपुलेट कर सके, वहाँ से कुछ सीख सके, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा कि कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या है, क्योंकि जीन पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सी टेट के लिए हो या अदर आपके स्टेट लेवल के टीचिंग एग्जाम्स हो, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया डिस्कस करेंगे, थैंक यू।